बिजनौर से हैं शशि जी, स्वागत है आपका। जी मैडम जी नमस्ते, जी नमस्कार सर मैम। नमस्ते, जय हिंद शशि जी, नमस्ते आपका स्वागत है। सर। ये पूछना था, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, देखती बोती के लिए तो 8 साल की है, नवे में चल रही है, लगी है, तो सर वो खांसते हुए ऐसे करती है वो, और वैसे खांसी निकाल कुछ खांसती है, खाने का टाइम पर ज्यादा करती सर, ऐसा करती, खाने के टाइम पर जलता उठता हूँ सर। ठीक है ठीक है। जी हाँ, एक घरेलू नुस्खा उसे देकर देख लें, बच्ची को, छोटी बच्ची है। ये जो मेथी का दाना, तो आप जानते ही, मेथी साबुत जो होती है, इसको पाउडर बना लें, और एक चुटकी या दो चुटकी मेथी का पाउडर 1 गिलास पानी में उबालें, और उसमें एक चुटकी या आधा चुटकी खाने का सोडा मिला करते हैं। तो इसको मिक्स करके गर्म पानी में, और बच्ची से कहें इसे चाय की तरह पी ले, थोड़ा गर्म हो जो उसको पी सके, रोज़ाना एक बार पिला दिया करें। मुमकिन है कि बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, रामपुर से जुड़ गए हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी, जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। जी, आपका सवाल। मेरी मिसेस को एक्चुअली में सूखी खारिश आई बहुत ज्यादा है। रात सूखी खारिश, खुजली, रात को भी नींद नहीं आती होगी। खुजली खुजली कह रहे हैं ना? हाँ खारिश, खारिश, हाँ खुजली। जी अच्छा देखिए, एक ये जो अलसी आती है ना, अलसी तो सभी जानते हैं, यूपी वाले चाहे रामपुर के हों चाहे बुलंदशहर के हों, अलसी तो सभी जानते हैं। अलसी खरीदें और उसे साफ़ कर लें, क्योंकि कंकर वंकर बहुत मिला देते हैं। 200-300 ग्राम अलसी ले लें, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मर्ज है उनको, रोग ज़्यादा है। ये अलसी का पाउडर बना के रखें, हल्का सा भून कर, ज़्यादा नहीं भूनना। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून, ये असली नमक लें, जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में मौजूद ही रहता है, ये 2 गिलास पानी में मिला के मिक्स कर लें, और आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाएं, और ये पानी जो नमक जैतून और ये खाने का सोडे का पानी है, ये 2 गिलास पिला दें। एक बार पिलाना काफ़ी होता है, किसी किसी को 2 बार भी लगता है, बस एक बार दिया करें, आपकी पत्नी की को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। दिल्ली से नेहा जी जुड़ गई हैं। जी मैम, स्वागत है आपका। दीदी हकीम जी, मेरे दांतों में जरा मसूड़ों में खून वगैरह आता है काफी दिन से। अच्छा ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? वही 25 25 उम्र है जी। हाँ अच्छा देखिए, ज़्यादातर जिनको इस तरह का रोग होता है उनमें पायरिया कहलाता है, और उनमें खून की कमी होती है। तो एक तो मल्टीविटामिन्स रोज़ाना एक ले लिया करें, एलोपैथी ही ले लिया करें, काफ़ी अच्छा होता है। और एक ये है कि जो खाने का सोडा है, एक चुटकी लें और अपनी हथेली पे रख लें, और ये राई का यानी सरसों का तेल है, 1 या 2 ड्रॉप इसमें ऐसे मिक्स करें, और ऐसे अपने दांतों पर ऐसे रब करें, मालिश करते रहें हल्के हल्के ऐसे लेकर, और जो गंदगी आए तो वो आप जो लार आती है उसे ऐसे मुंह लटका के या थूक सकते हैं। ये रोज़ाना एक बार रात को सोते समय किया करें, और याद रखें कि कुल्ला नहीं करना, आप थूक कितना भी दें लार को, लेकिन कुल्ला किए बगैर आप सो जाएं। ये आप कुछ दिन करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं शाहीन, अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, हकीम साहब से बात करनी है।
जी शाहीन मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वाले सलाम। हकीम साहब दरअसल मेरे चार सवाल थे अपने अब्बू के लिए। और मैं सवाल पूछने से पहले आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी दो दवाएं अपने अब्बू को दे रही हूँ, एक जो है तो नमक जैतून और दूसरा है तो गौनसिया। जी पहला सवाल मेरा ये है हकीम साहब कि जैसे मेरे अब्बू की किडनी में पथरी थी तो आपने मुझे बताया था कि नमक जैतून और गुड़ल के पत्ते उन्हें निहार मुंह देना है और उसके साथ दो चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी में और उसके ऊपर और दो गिलास पानी देना है। तो मैंने ये 12 से 13 दिन तक की ये खुराक उन्हें दी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हकीम साहब के जैसे अब हम कैसे पता करें कि उनकी जो किडनी की पथरी है वो बाहर आ गई है या किडनी में ही है, हमें कोई जांच वगैरह करवानी चाहिए क्या करवाना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ बताए हकीम साहब। ये बताइए तकलीफ गई उनकी है अभी? हेलो, तकलीफ उनकी खत्म हो गई या अभी मौजूद है? जी हकीम साहब उन्हें तकलीफ नहीं थी, दर्द नहीं था उन्हें। अच्छा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि सब के जैसे उन्हें जो है तो यूरिन इन्फेक्शन भी है और उनके डॉक्टर का कहना है कि उनकी किडनी भी काफी कमजोर है, तो आपने मुझे एक नुस्खा बताया है कि अलसी भून करके दो चुटकी नमक जैतून पानी में एक गिलास पानी में देना है, तो वो मैं उन्हें एक महीने से दे रही हूँ हकीम साहब। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे ये नुस्खा उन्हें लगातार कितने दिन देना है, और साथ में ये भी कि जैसे उनकी ये परेशानी जो है किडनी जो उनकी किडनी कमजोर है और जैसे उन्हें यूरिन की परेशानी है, यूरिन इन्फेक्शन की, तो क्या ये परेशानी उनकी हमेशा के लिए वो रोग मुक्त हो सकते हैं, और ये जो नुस्खा मैं दे रही हूँ तो मुझे लगातार कितने दिन देना है? और हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हाँ लगातार मुझे कितने दिन देना है ये नुस्खा हकीम साहब, और ये परेशानी से हमारे अब्बू के हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकते हैं क्या? और जैसे उनके डॉक्टर उन्हें गोली भी देते हैं एक, तो उन्होंने बहुत दवाएं खाई है हकीम साहब, तो अब वो गोली से परहेज कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वो गोली से भी मतलब उन्हें आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उन्हें हमेशा लेना चाहिए, आप मुझे ये बताएं। और तीसरा सवाल मेरा ये है हकीम साहब के जैसे मेरे अब्बू के जो है तो अभी जो है तो सूजन की परेशानी बहुत बढ़ गई है, उनके पैरों में बहुत सूजन आ रही है और यूरिन में बदबू बहुत है हकीम साहब उनके, तो इसके लिए मुझे कुछ बताया हकीम साहब के उनके पैरों में सूजन क्यों आ रही है और इतनी बदबू यूरिन में हमेशा से। मैं नमक जैतून तो उन्हें 4.5 महीने से दे रही हूँ हकीम साहब लगातार, जैसे पहले आपने मुझे बताया था कि पथरी के लिए नमक जैतून नींबू के साथ देना है, तो मैंने पहले उन्हें 3 महीने तक नींबू के साथ और 2 गिलास पानी ऊपर से वो 3 महीने दिया है हकीम साहब ने। हेलो ठीक है। और चौथा सवाल मेरा हकीम साहब के जो है तो उनके पैर में और हाथ में दर्द है और कमर में, तो मैं उन्हें गौनसिया तो दे रही हूँ हकीम साहब, लेकिन जैसे अब उनकी गौनसिया की खुराक 10 से 15 दिन की रह गई है, लेकिन जो हाथ जो है इनका ऊपर नहीं उठ पाता है हकीम साहब, और कमर में भी थोड़ा दर्द है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हकीम साहब के क्या अब मुझे गौनसिया अभी और उन्हें देना चाहिए या, और ये जो समस्या है उनकी दर्द की तो ये इस वजह से हकीम साहब के उन्हें ब्रेन का अटैक आया था। अच्छा कुछ फायदा है दर्द में उनको? हेलो हाँ शाहीन, कुछ फायदा है दर्द में, फायदा लगता है? हाँ दर्द में उनके इतना फायदा है कि जब के पहले से जो दर्द है वो कम है अभी, लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है। और ठीक है, आप जैसी बेटी मिल गई तो पूरा फायदा होना मुमकिन है, इतनी तवज्जो से आप दवा दे रहे हैं। अच्छा बच्चे देखो, किडनी में पथरी है कि नहीं है इसके दो तरीके हैं, एक तो ये तकलीफ चली जानी चाहिए, उनको तकलीफ पहले थी ही नहीं तो फिर उसके लिए आपको सोनोग्राफी करानी पड़ सकती है, और कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपनी तसल्ली के लिए सोनोग्राफी करा लें, वैसे उस नुस्खे से आपको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा अगर आप नमक जैतून दे रहे हैं तो 3-3 रोगों के लिए 3 तरीके से देने की ज़रूरत नहीं है, और नमक जैतून 2 चुटकी एक दिन में बस पहुंचना चाहिए, नुस्खा कोई भी हो। उसके अलावा अगर अलसी है साथ में तो अलसी साथ में खिला दें उन्हें, लेकिन अलसी के साथ अलग और इसके साथ अलग नहीं दे सकते। दूसरा ये कि अगर आपने नींबू पानी वो जैतून के नमक के पानी में नींबू नहीं मिलाया तो ये गलत किया,
उसमें नींबू मिलाकर देना चाहिए ताकि पथरी, गुलड़ के पत्ते वाले नुस्खे में तो ज़्यादा काम करता है। मेरी दुआ है कि उनकी पथरी निकल गई हो, होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के अच्छे नुस्खों में माना जाता है। और फिर आप जैसी बेटी दुआ करेगी और हम भी दुआ करेंगे तो उनको फ़ायदा होना चाहिए। और देखिए, ये सब चीज़ें जांच से ही पता चलेंगी, लेकिन अगर पैरों पर सूजन अभी भी है या दिखती है या लगती है, ये दो चीज़ें अलग होती हैं। सूजन का मतलब है हम अगर पैर पर ऐसे उंगली गाड़ें उसकी गोश्त के उसमें और ऐसे छोड़ें तो अगर गड्ढा रह जाता है तो सूजन है, और एकदम ऊपर को आ जाती है गोश्त तो सूजन नहीं है। पर पैरों पर सूजन अच्छा नहीं है, दर्द के साथ साथ चली जानी चाहिए। अलसी का नुस्खा लंबे अरसे तक भी ले सकते हैं, लेकिन बगैर जांच के हम कोई कह नहीं सकते इतने वसूख से, इतने जिम्मेदारी से कि उनका वो निकल चुका है। जांच में तो वो आपको लिख कर ही दे देता है कि उनको फ़ायदा होता है। और ये अच्छे नुस्खे मैं बताता हूँ, दावा कुछ नहीं करता, इससे लोगों को फ़ायदा होते हुए देखा गया है। दुआ भी करूँगा, आप भी दुआ करें, नुस्खा देते रहें और मजबूत हो जानी चाहिए उनकी किडनी। जी हकीम साहब, इन्होंने कहा है कि यूरिन में स्मेल आती है। हाँ देखिए, कुछ पेशाब इनका रुक कर आता है, सड़ कर आता है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन चला जाना चाहिए था अभी तक, क्या वजह है क्यों नहीं जाता है। और किडनी की गंदगी टेस्ट होती है, किडनी का फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी की तंदुरुस्ती टेस्ट होती है, वो सब जांच करा कर ही पता चलता है।